हेलो एवरीवन, रेलवे ग्रुप डी में पीरियोडिक टेबल के प्रश्न प्रत्येक सीरीज में से कम 2 से 3 होते हैं। मतलब रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो और जो जीएस का सेक्शन होता है, जो साइंस का सेक्शन होता है, उसमें अगर 2 से 3 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मतलब रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने पीरियोडिक टेबल के इस सेक्शन को। देखो, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की जब मैं बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है वो पीरियोडिक टेबल चल रहा है मोसले का। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं, तो आपको लेकर चलूँगा पीरियोडिक टेबल को समझाने के लिए। तो ध्यान ये रखना है कि जो अभी हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अभी जो बना हुआ सबसे नया पीरियोडिक टेबल जो है वो मोसले सर का बनाया हुआ है। मतलब अभी जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है वो मोसले का बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल चल रहा है। खासियत क्या है इस मोसले के बनाए हुए पीरियोडिक टेबल की, कि इसमें जो एलिमेंट्स है उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। तो ये इसकी खासियत हो गई। अभी आपको इसमें ये जानना है कि ये जो पीरियोडिक टेबल होता है इसमें कितने ग्रुप होते हैं। तो गाइज, याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में मूलतः जब आप देखोगे तो 4 ग्रुप होते हैं, और ये 4 ग्रुप होते हैं कौन कौन, एस ग्रुप, पी ग्रुप, डी ग्रुप और एफ ग्रुप। चलिए आपको ले चलते हैं पीरियोडिक टेबल पे पहले, और वहाँ दिखाते हैं कि एस ग्रुप कैसे पहचानेंगे, पी ग्रुप कैसे पहचानेंगे, डी ग्रुप कैसे पहचानेंगे और एफ ग्रुप कैसे पहचानेंगे। देखो, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझो, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप बनाए गए हैं। आप देखो, यहाँ पर 1 से शुरू करता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और यहाँ देखो अंत में आपको 18 मिलेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 18 सब्जेक्ट हैं इसके, जिसको इसमें बांटा गया है, पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है। इसमें जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट आप देख रहे हो, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो ये पूरे के पूरे एलिमेंट आप देख रहे हो ना, ये जितने भी एलिमेंट होते हैं ये सारे के सारे आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। मतलब ये एस के ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये आखिर कैसे पता करते हैं कि कौन एस ब्लॉक है, कौन पी ब्लॉक है, उसका भी जवाब मिलेगा। उससे पहले आप आइए अब इस श्रेणी में। जब आप इधर वाले ग्रुप में जाते हो, मतलब ये जो अपना इधर का जो ग्रुप हो गया, ये जो ग्रुप होता है बेसिकली इस ग्रुप को आप बोलते हो पी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो बीच में आप इतने सारे एलिमेंट देख रहे हो, ये सारे के सारे एलिमेंट है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये जितने भी नीचे वाले एलिमेंट है ना, इन सब एलिमेंट को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान देना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज और एक को बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज। चलो, इसको तो अभी मैं पीछे बता दूंगा क्या होता है नहीं होता है, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पीरियोडिक टेबल का जो भाग 1 और 2 जो होता है वो आपका ग्रुप एस एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। जब बात करते हैं 3 से लेकर 12 तक का, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि 3 से 12 तक का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, तो याद रखना वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। 13 से लेकर 18 तक का जो एलिमेंट होता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और नीचे में जो आपके एलिमेंट होते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को 2 भागों में बांटा गया है, लेंथेनाइट सीरीज में और एक्टिनाइट सीरीज में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे पहचानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन है, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन है, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन है और एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन है। देखो, इसको पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूग्रेशन, विद्युत विन्यास का तरीका। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूग्रेशन का तरीका क्या होता है, मैं आपको जल्दी से एकदम बता देता हूँ। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि एस जो है वो मैक्सिमम 2 का चार्ज कैरी करता है, पी जो है वो मैक्सिमम 6 का चार्ज कैरी करता है, डी जो है वो मैक्सिमम 10 का चार्ज कैरी करता है, और एफ जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 14 हो सकती है, इससे अधिक इसकी वैल्यू नहीं होगी। अब इन्हीं वैल्यू के आधार पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। जैसे जब आप देखते हो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप निकालते हो, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और एटॉमिक नंबर से ही निकलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। निश्चित रूप से जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 के लिए 1 होगा। सबसे पहले एस आता है तो एस लिखेंगे, और यहाँ पे चूंकि 1 आ गया इसलिए पता चलता है कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसी प्रकार जब आप निकालते हो 11 पे आने वाले एलिमेंट सोडियम को, तो ये टूटता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आपको दिख रहा है कि फिर से ये एस के अंत में ही आ गया, मतलब सोडियम भी कैसा एलिमेंट है, एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है। वही जब आप इससे आगे बढ़ जाते हो, आप मान लो 20 पे चलते हो और आपको मैंने कैल्शियम यहाँ पर ले लिया है, तो जब 20 पे कैल्शियम को जब आप तोड़ते हो तो क्या टूटेगा, वो भी इसी प्रकार से टूटता चलेगा, और इसके अंत में क्या आएगा देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
फोर एस मिला लो, दो दो चार छः आठ दस, दोबारा छः 18, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आ जाएगा 4s2। ठीक है, तो एकदम दिमाग में इन चीज़ों को रखना है कि जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट में आता है उसके अंत में एस ही आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जेड ब्लॉक के ब्लॉक का एलिमेंट का। जैसे जेड ब्लॉक एलिमेंट में मान लेते हैं 30 पर आता है अपना जिंक, और जिंक को जब आप तोड़ोगे तो इसी प्रकार से टूटेगा 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, उसके बाद अंत में इसमें आ जाना है 3d10। तो जब किसी के अंत में डी आ जाए तो समझ जाना है कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो, कौन एस है, कौन पी है, कौन डी है, कौन एफ है। गाइस, पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 सेल होते हैं, और सेल जो होते हैं वो इस प्रकार से नीचे की ओर जाते हैं। पीरियोडिक टेबल के जो सेल्स होते हैं वो इस प्रकार से नीचे की ओर जाते हैं, और इन सेल के नाम होते हैं K, L, M, N, O, P, Q। ठीक है, जैसे जैसे सेल में नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे इसका ऑर्बिट बढ़ता है। जैसे के का एक ही ऑर्बिट होता है 2, एल का ऑर्बिट अगर आप देखोगे तो ये आगे बढ़कर हो सकता है कि 2-8 हो जाए, एम के ऑर्बिट में जाओगे तो मे बी ये 2-8-8 हो जाए। ठीक है, एन के ऑर्बिट में जाओगे तो पॉसिबली है कि 2-8-18 भी हो जाए, ओ के ऑर्बिट में जाओगे तो हो सकता है कि 2-8-18 फिर से एक बार 8 हो जाए, और नीचे जैसे बढ़ोगे पी के ऑर्बिट में हो सकता है 2-8-18-32 हो जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ऑर्बिट भी बढ़ने की पूरी पूरी संभावना होती है। चलो आपको दिखाते हैं ऑर्बिट क्या होता है। देखो ऑर्बिट क्या है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, इसकी ऑर्बिट बढ़ती जा रही है। मतलब अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन और लिथियम में कौन बड़ा है तो लिथियम बड़ा होगा क्योंकि इसकी ऑर्बिट बढ़ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम और फ्रांसियम में कौन बड़ा होने वाला है, सोडियम और फ्रांसियम में कौन बड़ा होगा, निश्चित रूप से फ्रांसियम होगा। रीजन क्योंकि उसकी ऑर्बिट बढ़ चुकी है। कभी कभी पूछ लेता है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का कौन बड़ा है, तो ध्यान रखना है ऑर्बिट कैल्शियम की बढ़ गई है नीचे आने के कारण, इसलिए कैल्शियम बड़ा हो चुका है। चलिए, इतनी बातें तो हम लोगों ने कर ली। हम लोगों ने सेल के बारे में जाना, हम लोगों ने ब्लॉक्स के बारे में जाना, हम लोगों ने ये भी जान लिया कि कैसे निर्धारित करते हैं कौन किस ब्लॉक में आता है। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि ये कैसे पता चलता है कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। देखो, इसको बताने का बहुत ही आसान तरीका होता है, उसको भी आप समझ लो। एक फार्मूला होता है 2n² और n का वैल्यू यहाँ पे रखते चल जाइए, उससे आप आगे बढ़ सकते हो, ब्लॉक निकाल सकते हो। जैसे देखो, जब n का वैल्यू हम 1 लेने वाले हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 बराबर 2। अब यहाँ पे जब n का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दुनी हो जाता है 8। जब n का वैल्यू हम ले लेते हैं 3 तो ये हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9, 9 दुनी 18। जब n का वैल्यू ले लेते हैं 4 तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दुनी 32। मतलब मैंने एक आंकड़ा निकाला कि ये 2, 8, 18, 32 के हिसाब से ये जाता है। अभी देखो, मैं इस चीज़ को भी आपको क्लियर कर देता हूँ ये क्यों निकाला। जैसे मान लो हमको पता करना है कि सोडियम क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, या सोडियम का जो आउटर मोस्ट वैलेंसी होगा वो क्या होगा, तो बहुत आसान है। इसका एटोमिक नंबर है 11। आपको मैंने बताया कि सबसे पहले 2 आता है, 2 के बाद जो अगला सीरीज आता है वो 8 आता है, 2, 8, 10 हो गया, बचा क्या, 1। मतलब सोडियम जो है वो हमेशा किसका चार्ज कैरी करता है, +1 का चार्ज कैरी करता है। इसी प्रकार आप किसी का ले लो, चलो मैं 17 पे ले लेता हूँ क्लोरीन, और क्लोरीन जो होता है 17 पे तोड़ोगे तो 2, 8, अब तो 8 लिख नहीं सकते, अब क्या लिखना होगा, 7 लिखना होगा। और 7 का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको 7 आए, देखो एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, जब भी अंत में 1, 2, 3, 4 आता है ना तो हमेशा प्लस का सिंबल पड़ता है, लेकिन जैसे ही 5 आएगा तो 5 का मतलब -3 समझना होता है, 6 का मतलब -2, 7 का मतलब -1, और 8 का मतलब समझना होता है 0। अब ये कैसे हुआ, बहुत आसान है। 5 - 8 करेंगे तो -3, 6 - 8 करेंगे तो -2, 7 - 8 करेंगे -1, और 1, 8 - 8 कर देंगे 0। तो ये इसको याद भी नहीं करना है, इसको भी समझना है। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्लोरीन की। क्लोरीन की 17 होती है, तो टूटा तो 2, 8 और 7, और 7 के लिए वैल्यू क्या है, -1। मतलब क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस का। सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस का। आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सारे एलिमेंट्स का चार्ज निकाल लोगे, पता कर लोगे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। ध्यान में बस इतना आपको रखना है कि मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और नॉन मेटल हमेशा निगेटिव चार्ज कैरी करेगा। कभी कभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्लस माइनस दोनों का चार्ज कैरी कर लेते हैं। जैसे आप देखो, मैं एक एग्जांपल आपका दे रहा हूँ, कार्बन। कार्बन 6 पे आता है और जब इसको आप तोड़ते हो तो आता है 2, 4, और ये 4 जो है ना ये प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। मतलब कार्बन जो है वो प्लस माइनस दोनों का चार्ज रखता है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो दोनों का चार्ज रखता है ना, वो एक प्रकार का मेटेलॉइड्स बन जाता है। मेटेलॉइड्स वो होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह काम करे, वो होता है आपका मेटेलॉइड्स।
तो ये हो गया कुछ और भी खास बातें जो आपको पीरियोडिक टेबल में जाननी चाहिए। चलिए कुछ वैसी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखा है। जैसे ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी यह वह सारणी है जिसमें गुणों को समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, मतलब गुणों के हिसाब से उसको रखा गया है, कौन मेटल है, कौन नन मेटल है, कौन एस ब्लॉक का है, कौन पी ब्लॉक का है। मित्रों अभी आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काम की। जैसे भी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, पूछ लेता है कि कौन किस परिवार का है। जैसे पूछ लेगा हाइड्रोजन के परिवार के कौन कौन सदस्य हैं, तो इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान होता है, इसको आप भी समझ लो। हे ली ना कर रब से फरियाद, देखो हे ली ना कर रब से फरियाद, तो ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन का ये ग्रुप है। उसी प्रकार आप देखो इसका पूछ देगा कि बेरिलियम के ग्रुप में कौन कौन है, तो ध्यान रखना है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ देख लो तो यहाँ मिलेगा आपको बाल गंगा इंडियन तिलक। इसी प्रकार आप यहाँ देख लो काशी जी में शंकर पार्वती, यहाँ देखोगे तो नाना पापा आंटी सब बीमार, यहाँ देखोगे तो ओसे टीपो, यहाँ देखोगे तो फिर कल बाहर आई आंटी। अब इधर देखो, अभी चीज़ को समझो, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट होते हैं इसे बेसिकली हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, और अक्रिय गैसों की संख्या 7 है। कौन कौन है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन और यो ओ, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। ग्रुप 17 एलिमेंट जो होते हैं इसको हैलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं, ध्यान रखना है ग्रुप 17 को हैलोजन बोलते हैं, ग्रुप 18 को नोबेल गैस बोलते हैं। इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आप बहुत ही अधिक फायदे में रहने वाले हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है कौन किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये भी प्रश्न बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अब इसको भी याद कर सकते हो, जैसे 21 से लेकर 30 तक याद करना है तो आप याद करो सचिन तिवारी भीक्रो मांगे फेकोनी कुजन, तो याद करने का अपना एक ट्रिक है, आप इसे याद कर लो, ये आपको हमेशा फ़ायदा ही देगा, ग्रुप वाला तो हमेशा पूछता रहता है। अच्छा एक चीज़ और जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि ये जो हाइड्रोजन वाला जो एलिमेंट है ना, जो एक पे आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन हमेशा एक पे भी होता है और हाइड्रोजन दूसरे नंबर 13 पोजीशन पे भी होता है, मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ना कि मेटल है और जा ही ना ही नन मेटल है। यह कई बार पूछा गया है कि हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन ना ही मेटल है ना ही नन मेटल है, दिमाग में इन चीज़ों को भी रखना है। चलिए चलते हैं स्टैटिक पोर्शन को, अभी हम लोग देख रहे थे तो अभी अपना स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको बताया कि एक ही एलिमेंट को एक ही जगह पे रखा गया है। सवाल ये कि सबसे पहले जो ये जो पीरियोडिक टेबल है उसको ट्रायंगुलर बेसिस पे किसने बनाया था, तो वो डॉवेर्नियर ने बनाया था। तो डॉवेर्नियर ने बेसिकली क्या किया था कि दो एलिमेंट है मान लीजिए एक्स और वाई, तो इसके बीच में कौन सा एलिमेंट होगा, इन्होंने इसको बताया था, इसी को कहा जाता है डॉवेर्नियर ट्राइड मेथड। उसके बाद न्यूलैंड बंदे आए, न्यूलैंड ने भी क्या बताया, उन्होंने ऑक्टेप्स का सिद्धांत दिया, और इनका जो ऑक्टेप्स का सिद्धांत था बेसिकली वो साढ़े गामा पाधानीसा जिसको आप बोलते हो ना, उसके बेसिस पे इसको लिया गया था, डोरेली फासो, उनके भाषा में डोरेली फासो था, ओके। उसके बाद क्या है कि इनके भी पीरियोडिक टेबल में कुछ गड़बड़ी हो गई, उनके भी पीरियोडिक टेबल में कुछ गड़बड़ी हो गई, और अंत में अभी आप किसका पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो, तो मोसले का पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो, क्योंकि सबके पीरियोडिक टेबल में कुछ ना कुछ कमी आती गई है। मेंडलिप का पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा था लेकिन बाद में उसमें भी कुछ कमियाँ आ गई जिस कारण से उनके पीरियोडिक टेबल को भी हटाना पड़ा। अभी एक पीरियोडिक टेबल पे हम लोग अच्छा सा एक विशेष वीडियो भी और बनाएंगे, आप बस अंत तक जुड़े रहिए और इसके बाद वाले पीरियोडिक टेबल के वीडियो का इंतजार भी कीजिए। जब तक अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो पीरियोडिक टेबल से लगातार पूछे गए हैं। देखिए अपना पहला सवाल कह रहा है कि व्हाट हैपेंस एज वी गो डाउन टू द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, क्या होगा जब आप पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर आएंगे, तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे सेल की संख्या बढ़ती जाती है, तो इस प्रश्न का आंसर है द नंबर ऑफ सेल विल बी इंक्रीज, जो संख्या होगी सेल की वो क्या होगी, बढ़ेगी। अपना अगला प्रश्न है कि एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना है कि मैंने अभी आपको बताया था कि चार सेल होते हैं, सॉरी मैंने आपको बताया था कि टोटल 7 सेल होते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। तो कह रहा है कि एम में कितने बन सकते हैं, तो देखो भाई पहले में तो 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम कितना है, 18 है, मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, 18 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोरोडलाइन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो कि बॉर्डर लाइन एलिमेंट नहीं है। बॉर्डर लाइन कहने का मतलब हो गया पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी बॉर्डर वाले इलाके में जो नहीं आए, बीच में कहीं पर आता है, ठीक है, तो वो बिस्मथ है जो कि बीचों बीच आता है, तो इसका जवाब हो जाएगा बिस्मथ।
अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, इनमें से कौन ऐसा है जो मेटल और नॉन मेटल कोई नहीं है। तो याद रखना बिस्मथ जो है वो मेटलवाइट्स होता है, मेटलवाइट्स है जो कि ना मेटल की तरह काम करता है और ना ही नॉन मेटल की तरह काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइड रिप्रेजेंट द डोवेनियर ट्राइड। तो मैंने आपको तुरंत बताया कि डोवेनियर एक बंदा था जिन्होंने क्या बताया, दो को जोड़कर बीच का निकालो। देखो यहाँ पर है लिथियम और पोटासियम, तो जब आप डोवेनियर का ट्राइड बनाओगे तो लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर और पोटासियम का कितना होता है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, बेसिकली जब आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने पे आ जाएगा 9 + 3 = 19 + 3 = 22, और 22 को जब आप 2 से भाग लगाते हो तो आंसर आता है 11। तो बीच में आया सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। इसी चीज़ को बताया है डोवेनियर ने, तो यहाँ पर यही एक जोड़ा है जो सही है, और देखो रेलवे का भी आंसर यही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट एटॉमिक मास, इसमें से किसका एटॉमिक मास सबसे कम है। देखो हीलियम का एटॉमिक मास 4 होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखोगे तो इसका एटॉमिक मास यहाँ पर 7 × 14 होता है, लिथियम का अगर देखेंगे तो लिथियम का भी जो लमसम होता है वो 6 होता है, और हाइड्रोजन का तो 1 होता है। तो सवाल है किसका सबसे कम है, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हो इसका 1 होता है, तो जवाब है अपना हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए मित्रों से हम आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपको बता दें कि अन अकेडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि अकेडमी आपके पास भारत के उन बेस्ट टीचर्स के एक समूह को लेकर आया है जिससे आप पढ़ सकते हैं बस अन अकेडमी के एक न्यूनतम फ़ी पे। करना क्या होगा अन अकेडमी से जुड़ने के लिए, अगर आप चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन को निकालना, तो रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको अन अकेडमी दे रहा है एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म। आपको करना ये है कि आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां जाकर आप अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, और अगर आप अन अकेडमी के किसी भी कोर्स को परचेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप हमारे कोड AS2021 का इस्तेमाल करें, और जब आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोर्स में मिलता है 10% तक का डिस्काउंट, जो है आप लोगों के पढ़ाई में बहुत ही बड़ी सहायता राशि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा डोवेनियर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम शामिल होते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से मैंने भी तुरंत आपको बताया था कि अगर आपको सोडियम निकालना है डोवेनियर त्रिक में तो बीच में लिथियम के साथ क्या चाहिए होगा, तो वो पोटासियम होगा, तो इसका जवाब है पोटासियम। देखो इसी प्रकार से रेलवे बार बार क्या करता है ना, पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन को रिपीट करता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन लिमिटेड है लेकिन रेलवे को हर टेस्ट पेपर में 2 सवाल इससे पूछना है, इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और हम जो अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें और भी अच्छा काम हम करेंगे, इस बात की गारंटी आपको देते हैं। फिलहाल अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, इनमें से कौन एक नोबल गैस नहीं है। तो ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एक नोबल गैस नहीं है, बाकी जेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन ये सब के सब जो हैं वो कौन है, नोबल गैस हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि 4 तत्वों की परमाणु संख्या दे दी गई है, निम्नलिखित में किन 2 तत्वों का रासायनिक गुण समान होगा। तो देखो बहुत ही आसान है इसको करना, फेरस को जब आप तोड़ोगे तो इसका एटॉमिक नंबर आप देखो 9 दिया है, तोड़ेंगे तो 2 7 आएगा। फास्फोरस को जब आप तोड़ोगे तो 2 8 और 5 आ गया। क्लोरीन को जब आप तोड़ोगे तो टूटेगा 2 8 7, और जब आप आर्गन को तोड़ोगे तो टूटेगा 2 8 8। तो देखो 2 ही ऐसे एलिमेंट है जिसके अंत में 7 आ रहा है, और ये है क्लोरीन और फास्फोरस, तो अब फ्लोरीन और क्लोरीन ही अपना हो गया सही जवाब, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो मैंने भी आपको तुरंत बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले महोदय के द्वारा दिया गया है, और मोसले ने क्या किया, इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से व्यवस्थित किया है। ध्यान में रखना है व्यवस्था किस में हो गई है, तो इसमें हो गई है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया है कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान आपधिक गुणधर्म के द्वारा होगा। तो मेंडलिव, देखो मेंडलिव का पीरियोडिक टेबल गलत होने का बस एक ही कारण था कि इन्होंने क्या किया था कि मास के बेसिस पे एटॉमिक मास के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाया था, जबकि मोसले ने क्या किया, इसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाया। तो देखो आज तक इसका एटॉमिक पीरियोडिक टेबल चल रहा है, जबकि ये मास वाला फेल कर गया, ये नहीं चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बनाया गया था मेंडलिव के द्वारा वो किस पे बेसिस था, तो वो परमाणु द्रव्यमान पे था, वो एटॉमिक मास पे था, ध्यान रखना है, ये कई बार पूछे गए प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। तो ध्यान रखना जो सबसे पहला धातु तत्व है वो लिथियम है, और अभी आपको मैंने बताया भी था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे नीचे की ओर वैसे वैसे आपको मेटल मिलता है, और पहला मेटल कौन है तो लिथियम है। अगला सवाल ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में आठ तत्व मौजूद हैं। ठीक है, तो आठ तत्व मौजूद वाले दो हैं, दो और तीन, देख लो दो और तीन जो ग्रुप है उसमें आठ आठ तत्व मौजूद हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और आठवें समूह में रखे गए नोबेल गैसों का नाम बताएं। तो ध्यान रखना है नोबेल गैसेस के नाम जो है वो आर्गन है जो इसमें रखे गए हैं। चलिए, ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का सदस्य किसको जाता है, तो मेंडलीव को जाता है। मैंने भी फिर से आपको बता रहा हूँ कि मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक मास के बेसिस से बनाया था। देखो यही सवाल है, क्योंकि इससे सवाल ज़्यादा निकाले जा ही नहीं सकते हैं, और यही सवाल बारम्बार पूछता है रेलवे, इसलिए पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है। तो मैंने भी आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में रखा गया है। जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट का सदस्य होता है वो मैक्सिमम टाइप क्या होता है, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप धातु होने की ही संभावना होती है। मित्रों, अभी के इस पैकेज में तो हमारे पास बस इतना ही है, लेकिन अभी हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र पैकेज तैयार किया है। इस ब्रह्मास्त्र की खासियत यह है कि इसमें हम लोगों ने विज्ञान और जीके जीएस के कुल ऐसे ऐसे सवालों को रखा है, लगभग 10,000 सवाल हो जाते हैं हमारे पास इस पूरे के पूरे साइंस और जीके जीएस की किताब में। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट किताब है कि ये ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। रेलवे ग्रुप डी में मैक्सिमम प्रश्न इससे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में भी हमारे इस बुक से लगभग 80-95% सवाल पूछे गए हैं। तो आज ही हमारे इस किताब को परचेस करें। क्या करना होगा, आपको जाना होगा हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको मिल जाएगा इस किताब को परचेस करने का लिंक। अभी बस इतना ही, आप इस किताब को पढ़ें, आप हमारे वीडियो को पढ़ें और अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।